नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, लेकिन चुनावों की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले अनुराधा पौडवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जानकार बताते हैं कि पार्टी उन्हें चुनावों के लिए बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, वे पार्टी की स्टार चुनाव प्रचार हो सकती है। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर और भजन गायिका अनुराधा पौडवाल भाजपा में शामिल हो गई है। इसके साथ ही उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। चर्चा है कि बीजेपी अनुराधा पौडवाल को लोकसभा चुनाव का टिकट देगी। जानकार बताते हैं कि पार्टी उन्हें चुनावों के लिए बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, वे पार्टी की स्टार चुनाव प्रचार हो सकती है। अनुराधा पौडवाल को कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भी देखा गया है। जनवरी के महीने में जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब वहां भी उन्हें राम मंदिर में भजन गाते हुए देखा गया था। अनुराधा पौडवाल हिंदी सिनेमा की चर्चित गायिका है। फिल्मी दुनिया के बाद अब भजन गायकी की दुनिया में उनका डंका बज रहा है। 27 अक्टूबर 1954 को मुंबई में जन्मी अनुराधा ने अपने गायन करियर की शुरुआत 1973 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म अभिमान से की थी। आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और बेटा फिल्म के लिए अनुराधा पौडवाल को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 5 दशकों से अधिक के करियर में अनुराधा पौडवाल ने गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, पंजाबी, भोजपुरी, नेपाली और मैथिली सहित कई भाषाओं में 9000 से अधिक गाने और 1500 से अधिक भजन रिकॉर्ड किए हैं। अनुराधा पौडवाल की उम्र लगभग 70 साल की है। उनकी शादी साल 1969 में अरुण पौडवाल से हुई थी, जो एसडी बर्मन के असिस्टेंट और एक म्यूजिक कंपोजर थे। अनुराधा पौडवाल के 2 बच्चे हैं, एक बेटा आदित्य पौडवाल और एक बेटी कविता पौडवाल। साल 1991 में उनके पति की एक हादसे में मौत हो गई। पति अरुण पौडवाल की मौत के बाद दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अनुराधा पौडवाल के ऊपर आ गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात टी सीरीज के मालिक रहे गुलशन कुमार से हुई। दोनों की जुगलबंदी खूब चली और एक से बढ़कर एक फिल्मी गाने दिए। अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद अनुराधा पौडवाल ने ऐलान कर दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाएंगे। इसके बाद गुलशन कुमार की हत्या हो जाती है और अनुराधा पौडवाल फिल्मी गानों से तौबा कर लेती है और भक्ति दुनिया में आकर भजन गाने लगती है। राजनीति की खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।